हे एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है 30 मार्च। 30 मार्च की करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाओ प्रतियोगिता शुरू हुई है? ऑप्शन है मथुरा, आगरा, बेगूसराय, मुरादाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगूसराय। बेगूसराय में 2 दिवसीय रंग बरसाओ प्रतियोगिता शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्वेश्चन है, हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च, 27 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 मार्च। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन है, हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, भारत। तो फ्रेंड, 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया है? तो बांग्लादेश का, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, अभिनेता। तो कौन थे फ्रेंड्स? एक अभिनेता थे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है? ऑप्शन है दिलीप मंडल, अमित गोयल, मनोज सिन्हा, प्रहलाद जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने हाल ही में मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का कुछ क्वेश्चन। तो आप सभी को आज का क्वेश्चन कैसा लगा? आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।